हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चीन की खास पेशकश टैक्स टॉक में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नशरा खान चौधरी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है और आप सभी की यही ख्वाहिश होती है कि इनकम टैक्स भरते समय थोड़ा पैसा बचा लिया जाए। और 1.5 लाख तक का पैसा आप कैसे बचा सकते हैं, किस तरह की सेविंग आप कर सकते हैं ताकि आप टैक्स में थोड़ी रियायत पाएँ, तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। Chapter 6A के बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं और इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं CA सुरेंद्र मित्तल जी। तो चलिए उन्हीं की ओर रुख करते हैं और जानते हैं विस्तार से। तो सुरेंद्र जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो कि इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है, Chapter 6A। तो ये हमारे जो व्यूवर्स हैं जो कि टैक्स को इतना नहीं जानते हैं, इनकम टैक्स से इतने जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए भी हो सकता है एक नया चीज जानने को मिले। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर ये होता क्या है, इसको नाम Chapter 6A दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या सेक्शन आते हैं, क्या कुछ इसकी बारीकियाँ हैं, सबसे पहले यही हम जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, देखिए, बेसिकली Chapter 6 है, इनकम टैक्स एक्ट का एक चैप्टर है। ओके, इसमें 80C से लेकर 80U तक कई प्रकार के डिडक्शन उन्होंने दी गई। 80C से लेकर सेक्शन 80C से 80U तक कई प्रकार के डेफिनेशन की डिडक्शन हैं, जिससे एक आम आदमी, एक करदाता जो अपन बोल सकते हैं, वो टैक्स में छूट ले सकता है। अच्छा, जो अपनी ग्रॉस टोटल इनकम जो दिखाता है उस टैक्सेबल इनकम को बनाने के लिए उसको उसमें छूट ले सकता है। और इसकी एक लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए तक की। सबसे पहले अपन बात करेंगे 80C की। 80C में कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, लाइक LIC, टैक्स FDR, जिसमें आप 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है FDR का। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, SIP प्लान, आप PPF में पैसा जमा करा सकते हैं। तो ये सब एक जरिया जी, हाँ, एक ऑप्शन है आपके पास, इसमें आप इन्वेस्ट करके पैसा अपना और टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स बचाने का एक जो जरिया है वो 80C से लेके 80U तक है। इसमें जो चैप्टर 6 है उसमें सारी चीजें दी हुई हैं। तो LIC वगैरह, जो म्यूचुअल फंड, जैसा कि आपने बताया, इसके जरिए हम इनकम टैक्स जब रिटर्न फाइल करते हैं तब भार पड़ता है टैक्स, हाँ, एक जो बर्डन पड़ता है एसएससी के ऊपर, उसको रिड्यूस करने के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम कंटिन्यू रखते हैं बात को, क्योंकि जी इसमें क्या है, 80C में जैसे मैंने बताया आपको टैक्स FDR, अब एक SSC को एक सीलिंग लिमिट दी इनकम टैक्स ने कि आप 1.5 लाख तक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं कि आपको पर्टिकुलर इसी में जाना है। आप FDR में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जी, थोड़ा सा आप LIC में कर सकते हैं, PPF में कर सकते हैं, NSE परचेज कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है तो उसका एक रिपेमेंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट का, जी, उसकी भी आप छूट ले सकते हैं इसमें, वो भी 1.5 लाख रुपए तक की छूट, ये सारे जो आप बता रहे हैं उसके जरिए हमें मिल सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं आप। तो ये जितने भी करदाता हैं जिनका 5 लाख से ऊपर की जिनकी इनकम है, उनके लिए बेहद ही फायदेमंद आज का एपिसोड मुझे लगता है होने वाला है। बिल्कुल, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। सपोज अपन किसी एक आदमी के, किसी एम्प्लॉयर या किसी सैलरीड पर्सन की अगर बात करें, अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम अगर 7 लाख तक है, तो वो अगर अपना टैक्स बचाना चाह रहा है तो 1.5 लाख तक अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है अपना 80C से 80U तक, तो वो अपना 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स कम कर सकता है, मतलब अमाउंट कम कर करके जो उस पर टैक्स बनेगा उसका बर्डन कम हो जाएगा उसका। इसमें एक स्कीम और है 1.5 लाख के अलावा, उसमें अपन बात करेंगे NPS के बारे में। NPS नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम होती है। नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम, तो ये खासतौर पे उनके लिए है जो रिटायरमेंट से नहीं, आप ये बोल भी सकते हैं रिटायरमेंट के लिए भी है, लेकिन साथ में अगर आपको एक्स्ट्रा बर्डन आपका टैक्स का आपके ऊपर है, आप चाह रहे हैं कि 1.5 लाख तो मेरा प्लान फुल हो चुका, एक सीलिंग लिमिट मेरी फुल हो चुकी, आप चाह रहे हैं मैं कुछ और टैक्स बचाना चाह रहा हूँ फ्यूचर के लिए, जी, तो आप इसमें 50,000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं तो ये काफी फायदेमंद हो सकता है आपके लिए जो व्यूवर्स प्रोग्राम को देख रहे हैं। NPS के जरिए आप काफी कुछ अपना जो टैक्स आपका कट रहा है उसमें रियायत पा सकते हैं। तो विस्तार से मैं जानना चाहूंगी NPS के बारे में। NPS के मैडम जो है, आपको एक पर्टिकुलर बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना होगा NPS में, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कितना ही कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स लॉ में आपको जो छूट मिलेगी वो मैक्सिमम 50,000 तक ही मिलेगी ईयरली। 50,000 से ज्यादा आप इसमें छूट नहीं ले सकते। 1.5 लाख के बाद 50,000 ही एक्स्ट्रा है, 1.5 लाख है जी। इसका सेक्शन रहेगा NPS का 80CCB 1B, 80CCD 1B, ये 1.5 लाख के अलावा 50,000 मैक्सिमम है छूट। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कितना ही करें,
लेकिन मैक्सिमम छूट आपको 50,000 तक ही मिलेगी इसमें आपको जी जी। तो ये भी काफी फायदेमंद हो सकता है, बिल्कुल टैक्स बर्डन 5 लाख से ऊपर का, अगर जैसा कि आपने बताया 7 लाख 10 लाख रुपए किसी की इनकम है और उसमें 1.5 लाख तो वो हो जाएगा 50,000 ही हो जाएगा, 50,000 करीब करीब 2 लाख रुपए की पूरी तरह से छूट यहाँ करदाता को मिल सकती है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया 1.5 लाख में कई सारे प्लान है, इसमें मैं कुछ ऑप्शन और बताना चाहूंगा। सुकन्या स्कीम है, एक गवर्नमेंट ने अपना जो लॉन्च की है जिन पेरेंट्स के पास गर्ल चाइल्ड है वो 10 साल तक अगर उसकी एज है तो उसके नाम से एक बैंक में अकाउंट खुलवा के उसके नाम से हर साल पैसा जमा करा सकते हैं वो जी। जब वो मेजर हो जाएगी 18 साल की तब उस पैसे को आप 50% तक विड्रॉ कर सकते हैं आप, उसकी छूट भी आपको 1.5 लाख के अंदर ही मिलेगी, वो उस सीलिंग लिमिट में ही आएगी वो 1.5 लाख में ही। ये जी जी ऑप्शन भी आप एक ऑप्शन अलग से है ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बिल्कुल। तो जैसे कि सुकन्या स्कीम है इसमें 10 साल की कम उम्र की, हाँ 10 साल तक की एज है आपके, तो उसके नाम आप एक बैंक में एक अकाउंट खुलवा सकते हैं और 18 साल के बाद जब वो मैच्योर हो जाएंगी तब वो 50% तक आप उसमें विड्रॉ कर सकते हैं एज एन टाइम। अच्छा, जब जरूरत लगती है तो उसमें से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिटेशन है कि इतना रुपया हमें नहीं, इसकी कोई मिनिमम 1000 है मिनिमम ईयरली। अच्छा, शुरुआत 1000 है, 1000 रुपए से आप खाता खुलवा सकते हैं जी जी। आपको लगता है कि आप 5000 जमा करा सकते हैं 10000 जमा करा सकते हैं वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जमा करा, आपको देना होगा नहीं ईयरली, ईयरली ईयरली है ये, वन टाइम मिलती है, साल में एक बार छूट मिलेगी इसकी। तो आप कैपेसिटी कितनी है एसएससी की, 5000 10000 15000 जी जी। उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो। ओके, तो इसमें सीधा सीधा 50,000 तक का फायदा कितना? नहीं नहीं, ये 1.5 लाख की सीलिंग लिमिट में ही आएगी ये भी, उसी में ही। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे LIC नहीं लेनी है या आप चाह रहे हैं मुझे FDR नहीं करवानी है तो आप इसमें भी प्लान 1.5 लाख तक का कर सकते हैं सुकन्या स्कीम में भी, ये भी एलिजिबल है डिडक्शन के लिए। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है खासतौर पे उन पेरेंट्स के लिए जो कि गर्ल चाइल्ड के यहाँ पर है, तो सुकन्या के जरिए योजना के जरिए वो अपनी सेविंग कर सकते हैं जी। आगे भी मैं जानना चाहूंगी इसके अलावा और क्या हमारे व्यूवर्स का फायदा करवा रहे हैं कि आज हम देख सकते हैं प्रोग्राम के जरिए। इसके अलावा जैसा बताया आपको सुकन्या स्कीम, इसके अलावा आजकल का जो जो माहौल है, जो आदमी का जो शेयर मार्केट में ज़्यादा रुचि है लोगों की, लोग कई तरह के शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो सिर्फ SIP प्लान चूज कर रहे हैं, इनकम टैक्स लॉ में SIP प्लान जो टैक्स फ्री वाली है या म्यूचुअल फंड भी अगर आप परचेज करते हैं तो उनका टैक्स बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। ओके, वो भी जो आपकी 1.5 लाख की सीलिंग लिमिट है उसके अंदर अकाउंट होगा। आप अगर आप चाहते हैं मुझे LIC परचेज नहीं करना है या आप चाह रहे हैं मुझे सुकन्या स्कीम नहीं लेनी है या FDR नहीं लेना है तो आपके पास ऑप्शन है आपके पास कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बचा सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं आप। इनका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। ओके, कम से कम तीन साल तक आपको पैसा विड्रॉ नहीं करना उसमें से अगर आपने टैक्स बेनिफिट लिया है तो। ओके, अच्छा, और उसके पहले नहीं कर सकते? इसके पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं तो जो टैक्स की छूट आपने ली है वो आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, ओके, तो ये भी एक अच्छा प्लान है। हाँ, अच्छा प्लान आपने दर्शकों को बताया कि बाकी इसके जरिए भी म्यूचुअल फंड में भी, क्योंकि आजकल बाकी शेयर मार्केट काफी लोगों का काफी इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में आजकल, और आज कल की नौजवान जो पीढ़ी है वो काफी रुचि रखती है शेयर मार्केट में। तो सुरेंद्र जी, काफी चीजें आप क्लियर करते जा रहे हैं किस तरह से आप इनकम टैक्स से बच सकते हैं, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं और कैसे उस पैसे को आप आगे आप उसको काम में ले सकते हैं। तो जैसे कि अभी म्यूचुअल फंड के बारे में आपने बताया, आगे मैं जानूंगी फिक्स डिपोजिट के जरिए भी कुछ पैसा बचाया जा सकता है, तो वो क्या रहता है, प्रोसेस क्या है उसका, ये मैं जानूंगी। उसमें SSC अगर चाहे तो एक बैंक में सिंपल टैक्स FDR बना के टैक्स एग्जेप्शन लिमिट जो बोलते हैं उसको, मैं बैंक में जाए अपना और एक उसका 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, आप उसका कोई सीलिंग लिमिट नहीं है, आप 10,000 की करवाएं, 50,000 की करवाएं, 1 लाख की करवाएं, लेकिन वो जो 1.5 लाख की सीलिंग लिमिट है अपनी ATC वाली वो उसी में काउंट होगी, वो उसी के अंदर वो आएगी, तो आप 1.5 लाख से ज़्यादा की छूट नहीं ले सकते चाहे आपने FDR ज़्यादा की करवाई हो। साथ में उसमें एक कंडीशन ये है कि उसका लॉक इन पीरियड 5 साल का रहेगा और जो ब्याज पे मिलेगा आपको FDR पर वो टैक्सेबल होगा आपका। अच्छा, तो यहाँ थोड़ा सा SSC के साथ है कि जो FDR पे जो ब्याज मिलेगा वो उसको टैक्सेबल होगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी सरकार ने यहाँ यानी कि आप पैसा तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा जी। तो फिक्स डिपॉजिट के जरिए भी काफी लोग सेविंग करते हैं, टैक्स की सेविंग करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप टैक्स नहीं देना चाहते ब्याज पर जी, तो इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है NSE।
एनएससी होता है, एनएससी को आपको पोस्ट ऑफिस से परचेज करना होता है। इसकी भी कोई सेलिंग लिमिट नहीं है, कितने भी आप परचेज कर सकते हो, 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक का, यह भी 1.5 लाख की सेलिंग लिमिट में ही काउंट होगी। ओके, और इस पे जो ब्याज मिलेगा आपको वो टैक्स फ्री रहेगा टोटली। अच्छा, ओके, एनएससी के जरिए जो भी टैक्स फ्री मतलब आप ब्याज जो नहीं लगने वाला है। हाँ, इस पे जो ब्याज लगेगा, जो ब्याज मिलेगा आपको, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका, वो टोटली टैक्स फ्री रहेगा वो। जी, अच्छा, ओके, तो ब्याज जो आ रहा है वो एक फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस ब्याज पर। जो उस पर जो ब्याज मिलेगा उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको सेविंग बैंक से मिलती है उससे ज्यादा रहेगी। अच्छा, बैंक से ज्यादा यहाँ पर थोड़ा सा फायदा रहेगा। तो व्यूवर्स को हम बताना चाहेंगे, एनएससी के जरिए अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं, एनएससी अगर आप करवाते हैं, तो इससे काफी फायदा आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज आपको मिलने वाला है, जो रकम आपने जमा करवाई है या जो करवा रहे हैं आप, वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, उस पर किसी तरह का कोई टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। तो ये काफी रियायत इसमें आपको मिल सकती है। तो सुरेंद्र जी, आगे आपसे जानूंगी मैं, क्या कुछ और भी इस तरह के आपके पास प्लान्स हैं जिसके जरिए पैसा हम बचा सकते हैं? हम ATC की बात करें तो ATC में अभी और भी ऑप्शन है हम लोगों के पास, जो ऑप्शन हमने जो अभी चर्चा हुई इसके अलावा भी और भी ऑप्शन है। इसके अलावा आप PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। बैंक में आपको ये अकाउंट ओपन करवाना होगा, इसमें भी आप जो पैसा डालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी, एक तो PF होता है जो कि हमारा एक PF होता है जो होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वाला रिलेशन होता है, वो वहाँ से करता है, वो एम्प्लॉयर आपका PF काट के जमा करवाता है। एक ये होता है जो लोग प्रोफेशनल होते हैं या जो जॉब नहीं कर रहे होते हैं, एक जो आम आदमी होता है वो चाहता है कि मेरा भी PPF में जमा करवाऊँ, तो वो एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवा के PPF से उसमें पैसा जमा करा सकता है। जो उसमें वो पैसा जमा कराएगा वो भी साल के 1.5 लाख रुपए तक का उसका छूट ले सकता है टैक्स। ये सेलिंग लिमिट उसमें ही काउंट होगी, 1.5 लाख वाली सेलिंग लिमिट। 1.5 लाख में ही काउंट होगी। और इसमें एक अच्छा फायदा हो रहा है आपको, इसमें जो ब्याज मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा आपका। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा एक फायदा, व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं उनके एक नए नए फायदे सुरेंद्र जी बताते जा रहे हैं। और इसमें एक और PPF के जरिए भी आप काफी पैसा तो बचाएंगे ही, उसके अलावा जो ब्याज है उसका भी आपको काफी फायदा मिलेगा, उसका टैक्स बिल्कुल फ्री है। तो ये भी आपने एक PPF तो बताया, फिक्स डिपॉजिट आपने बताया, NSE के बारे में आपने बताया, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट के बारे में आपने बताया, सुकन्या योजना के बारे में आपने बताया। तो ATC जो आप बता रहे हैं, ये जो सेक्शन है काफी फायदेमंद है सभी जनता के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव तो रहता है टैक्स से बचने के लिए, हम हर कोशिश करते हैं कि टैक्स में कहीं ना कहीं रियायत मिले। बिल्कुल, इसके अलावा भी और कुछ? हाँ, इसके अलावा एक सेक्शन है, एक ATD होता है, ATD मेडिकल प्रीमियम के नाम से, मेडिकल प्रीमियम जी। एक आम आदमी चाहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस या जिस तरह के प्लान होते हैं आपके, एक चाहता है कि एक सिक्योरिटी रहे उसकी, जी। तो एक ATD एक सेक्शन होती है, Chapter 6A में, उसमें आप 25,000 रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। 25,000 प्रीमियम का अमाउंट है, वहाँ तक आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें भी सेलिंग लिमिट अलग अलग है, अगर आप हैं मतलब आपकी फैमिली है जिसमें आप पेरेंट्स नहीं है, मतलब आप हैं सेल्फ हैं, वाइफ है और आपके बच्चे हैं, अगर आपकी एज बिलो 60 ईयर्स है तो आप 25,000 तक का आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा। और साथ में आप चाहें आप पेरेंट्स की भी अगर आप ये करवाते हैं मेडिकल पॉलिसी, तो 25,000 का प्रीमियम उनका भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उनकी एज 60 से अगर अबव है तो उनको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा, आपको 25 का मिलेगा, टोटल मिल जाएगा आपको 75,000 रुपये का। और अगर आपकी भी एज 60 के अबव है, आपकी पेरेंट्स की एज भी 60 के अबव है, तो दोनों को मिला के 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा, 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। और ये 1.5 लाख के अलावा बेनिफिट है आपको, 1 लाख रुपए का सीधा। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा जो उम्र दराज है उनके लिए काफी फायदेमंद, सीनियर सिटीजन हम कह सकते हैं कि हर जगह जहाँ पे उन्हें रियायत मिल रही है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जरिया है जिसमें सीधे सीधे 1 लाख रुपए अगर पेरेंट्स साथ में है तो 1 लाख रुपए का फायदा सीधा सीधा। इसमें एक कंडीशन है कि आपको जो प्रीमियम पेड करनी है वो अकाउंट पे ही चेक से ही करनी है आपको। अच्छा, कैश में नहीं करवा, कैश के लिए एलिजिबल नहीं है इसमें। अच्छा, अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसमें अकाउंट पे चेक से ही आपको पेमेंट करना है। जी, तो काफी कुछ फायदा की बात है आप कर रहे हैं। ऐसे में एक वर्ग है, युवा वर्ग, स्टूडेंट्स भी बहुत से हैं, तो अगर युवा कुछ अपने एजुकेशन लोन लेता है या कुछ इस तरह का भी प्लान है आपके पास जो युवाओं के लिए काफी फायदेमंद हो? चैप्टर 6A में इस बारे में भी ध्यान रखा गया है,
चैप्टर 6 में ATE नाम से एक सेक्शन है, ATE नाम से एक सेक्शन है, उसमें अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों के नाम से एजुकेशन लोन लिया है और उसका वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका वो 8 सालों तक इंटरेस्ट की छूट ले सकते हैं। अच्छा, उसकी कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। जी जी, जितना इंटरेस्ट आप ईयरली पे करेंगे उतना आप पूरा छूट ले सकते हैं अपना। अच्छा, ये टोटल आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। सपोज अगर आप साल में अगर 1 लाख रुपए का अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एजुकेशन लोन का, तो पूरा पूरा आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है उसमें से 1 लाख रुपए आपका कम हो जाएगा, उसके बाद ही फिर आपके टैक्स की कैलकुलेशन होगी इस पे। जी जी, तो ये काफी जो पेरेंट्स बच्चों को अच्छे पौधे तक पहुंचाना चाहते हैं, पैसों की कमी के चलते एजुकेशन लोन लेते हैं, तो कोई बुरा सौदा नहीं है, वो इजीली ले सकते हैं। और फिर उसके बाद ये कि आपको काफी फायदा भी है, तो एजुकेशन लोन के जरिए भी आप अपनी जो 1.5 लाख के बाद 1.5 लाख के अलावा है पैसा सेव यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो हम सेक्शन 80 पूरा आज हम जानने वाले हैं, 80C जो आप हमें बताते जा रहे हैं, 80G के बारे में भी आप हमें बता रहे हैं, तो आगे इसके अलावा भी और कुछ ऐसे हैं जिसे रियायत पा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी और कई सारी सेक्शंस हैं जिसमें आप रियायत पा सकते हैं टैक्स में, जैसा कि 80G है। 80G होता है बेसिकली डोनेशन के लिए। जी जी, आप किसी भी वेलफेयर फंड को जो रिकॉग्नाइज है, जो एलिजिबल हैं डोनेशन लेने के लिए, तो उनको पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का अलग होता है, 80GC होता है। अच्छा, ये नॉर्मल फंड है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कोष है, आपदा अच्छा, कोष है। जी, जैसे अभी पुलवामा में जो अटैक हुआ उसमें जो फंड जो भी गया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जो भी आप डोनेशन देंगे 80G में आती है। जी जी, 80G के जरिए भी आप अपना इनकम में ये शो कर सकते हैं। इसमें इसमें भी दो क्राइटेरिया होते हैं 80G में। कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनको आप अगर डोनेशन देते हैं तो आपको 100% टैक्स में छूट मिलेगी। अच्छा, और कई ऐसे हैं जिनको 50% एलिजिबल है लेने के लिए। अच्छा, दो क्राइटेरिया डिसाइड कर रखे हैं और इसमें भी ग्रोस टोटल इनकम को ध्यान में रख के दिए छूट दी जाती है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा गवर्नमेंट ने कि आप इतना अनलिमिटेड छूट नहीं ले सकते, कुछ क्राइटेरिया को ध्यान में रखते ही छूट ले सकते हो आप। तो वो जो दायरे हैं वो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से वो, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा आपदा कोष है या मुख्यमंत्री सहायता कोष है, तो इन सबको गवर्नमेंट ने अलग अलग रिकॉग्नाइज कर रखा है कि आप डोनेशन लेंगे तो आपको 50% छूट मिलेगी, अगर आप इस पर्टिकुलर फंड में इसमें इंस्टीट्यूट में डालेंगे पैसा तो आपको 100% छूट मिलेगी। जी, और जो छूट मिलेगी उसकी कैलकुलेशन ग्रोस टोटल इनकम को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। चीज़ें हैं जो कि जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कि हो सकता है इस चीज़ से वाकिफ ना हो, लेकिन इसके ज़रिए भी आपदा कोष में, राष्ट्रीय आपदा कोष के ज़रिए अगर आप वहाँ डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी देश में आए दिन कुछ ना कुछ हादसे हो जाते हैं, तो उसके ज़रिए भी आप अपना इनकम टैक्स में बचा सकते हैं। करते हैं तो उससे भी आप अपना पैसा बचा सकते हैं। और जैसे कि हम बात करें अब पॉलिटिकल पॉलिटिकल कि कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जो डोनेशन भी लेती है। जी जी, तो अगर वहाँ पर हम अपना कुछ पैसा दे रहे हैं तो उसके ज़रिए भी थोड़ी सी सेविंग की जा सकती। बिल्कुल की जा सकती। चैप्टर 6 में एक सेक्शन है 80GC, ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनाया गया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं वही इस डोनेशन को लेने के लिए एलिजिबल हैं। इस डोनेशन को देने के लिए आपको अकाउंट पे ही चेक से या नेफ्ट या बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू ही आपको पैसा देना होगा। कैश में आप नहीं दे सकते, कैश या काइंड में आप डोनेशन नहीं दे सकते। और इसमें जो आप डोनेशन देंगे वो 100% आपको टैक्स पर छूट मिलते हैं। इसमें कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। अगर आप 1,50,000 जो भी आप डोनेशन देते हैं वो पूरा आपके टोटल इनकम ग्रोस टोटल इनकम से कम हो जाएगा सीधा सीधा आपको। मतलब यूँ कह सकते हैं कि आप जो भी पैसा देंगे अपना उस पर पूरे छूट मिलेगी आपको टैक्स की। तो वो सिर्फ वही पार्टीज जो कि इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के जरिए ही अगर आप वहाँ पर अपना पैसा डोनेट कर रहे हैं जी, तो आपको रियायत मिलेगी टैक्स में जी। तो सुरेंद्र जी काफी विस्तार से आप हमें बता रहे हैं सभी चीज के बारे में। आगे रियायत की जब बात हम कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन की भी हमने बात की थी, तो अगर उन्होंने अपना डिपॉजिट बैंक में उनका है उसके ऊपर जो ब्याज है तो किस तरह की, क्या उसमें कोई रियायत है, ये मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल, इसको एक रियायत है। अभी बजट में रिसेंटली एक सेक्शन आया है 80TB। ये पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन के लिए ही आया, अमेंडमेंट करके नया सेक्शन इंसर्ट किया है उन्होंने। पहले था 80TA, ये सेविंग इंटरेस्ट जो बैंक से मिलता है अपना, उस पर 10,000 रुपए तक की एक सीलिंग लिमिट है, वहाँ तक आपको टैक्स में छूट मिलेगी। मतलब जो इनकम आपकी 10,000 तक की होगी वो टैक्स फ्री रहेगी, 10,000 से ऊपर जो भी आपकी इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी सेविंग ब्याज सेविंग इंटरेस्ट से। सीनियर सिटीजन के लिए जो सेक्शन आई 80TB उसमें उस लिमिट को बढ़ा के 50,000 तक कर दिया है। वो चाहे आपको FDR पे ब्याज मिले,
चाहे आपको सेविंग इंटरेस्ट का ब्याज मिले, उन दोनों को लिमिट 50,000 तक आपको अगर कोई ब्याज मिलता है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा सर। तो सीधे सीधे ये बेनिफिट है सीनियर सिटीजन के लिए, एक तोहफा बोल सकते हैं उनके लिए। जी, तो ये बाकी सीनियर सिटीजन के लिए एक तोहफा के रूप में ही सामने आ रहा है कि सीधा सीधा फायदा हो सकता है। तो क्या कुछ कोई और भी 80C की हम बात कर रहे हैं, कुछ और भी प्लान्स हैं, कुछ और भी सेक्शन हैं जो कि आपको लगता है कि दर्शकों को जानना चाहिए? सेक्शन तो कई सारे हैं, लेकिन इन सेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है कि जो सेक्शन जो मैंने अभी जो डिस्कस हुआ आपसे, ये एक आम आदमी इंडिविजुअल या HUF ले सकता है। हर सेक्शन को लेने के लिए एलिजिबल इंडिविजुअल या HUF नहीं है। जैसे कई 80P भी है, IA भी है, कई सारे हैं, TU भी है, 80DB भी है, जो डिस्कस मेन जो रिसेंटली जो काम आते हैं एक आत्मा वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। इनको केवल इंडिविजुअल या HUF क्लेम कर सकते हैं। एक आप चाहें कॉर्पोरेट इन चीज़ों को अवेल करे तो वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक सीधे तौर पर हम कह सकते हैं आम आदमी नागरिक, आम नागरिक है, उनके लिए सारे जो बेनिफिट अभी आपने बताए हैं, सारे जो प्लान्स बताए हैं, वो कॉर्पोरेट का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं, उनके अलग ही सेक्शन रहेंगे, उसके लिए हम कभी और वक्त आपसे लेंगे। और इंडस्ट्रियल कॉमर्शलाइजेशन जो भी है, किस तरह से पैसा इन्वेस्ट होता है, क्या उसमें कैसे रियायत बांटते हैं, वो हम जानेंगे। तो सुरेंद्र जी, काफ़ी चीज़ें आज आपने डिटेल में हमें बताई और सेविंग करने के बहुत सारे जरिए आज आपने हमें और हमारे व्यूवर्स को बताए। तो प्रोग्राम में अब वक्त हो चुका है कि हम विदा लें, लेकिन जाने से पहले हमारे जो व्यूवर्स आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें आपकी तरफ से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा लोगों को, अगर आपका टैक्स बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा लग रहा है, अगर आपका टैक्स आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो अब जो भी अपना डिस्कशन हुआ आज 80C के से लेके 80U तक के बारे में, आप उनमें जो डिफरेंस प्लान है उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। इससे आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी भी रहेगी। अगर आप FDR में परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं या NSE परचेज करते हैं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी रहती है आपको, साथ में टैक्स में बचत भी होती है आपको। तो सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में इतनी सारी बातचीत करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज का एपिसोड बाकी सभी के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। वेलकम। प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आज हमने जाना सेविंग के तरीके। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड देखकर आप भी सेविंग करने की जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे प्लान्स आज सुरेंद्र जी ने हमें बताए, उसके ज़रिए आप 1.5 लाख के साथ साथ और भी रियायत कैसे पाएं, ये भी आज हमने जाना। तो चलिए, आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन जाने से पहले, अगर आप भी अपनी कोई परेशानी, टैक्स जुड़ी हुई कोई बात हमसे शेयर करना चाहते हैं या फिर कोई सोल्यूशन जानना चाहते हैं, तो लिख भेजिए अपनी परेशानी। नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा नंबर है 9672027779। प्रोग्राम में आज बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। गुड बाय एंड टेक केयर।